हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि सर्टेन, लाइकली, अनलाइकली, इम्पॉसिबल, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं और इसके मीनिंग क्या है, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि किसी कंटेनर में 4 ग्रीन कलर्ड बॉल्स हैं और आपको एक इवेंट दिया है, इवेंट इवन पिकिंग अप ग्रीन कलर्ड बॉल आउट ऑफ 4 ग्रीन कलर्ड बॉल। इसकी यदि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, probability of even equals 4 by 4 which is equal to 1, इसका मतलब ये 100% है। तो ऐसे इवेंट को आप बोलेंगे सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट एक दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने 3 ग्रीन कलर बॉल रखे हैं और एक ब्लू कलर बॉल है, एक इवेंट E2 है पिकिंग अप ग्रीन कलर बॉल आउट ऑफ 3 ग्रीन कलर बॉल एंड 1 ब्लू कलर बॉल। इसमें यदि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ग्रीन कलर्ड बॉल कितने हैं 3 और टोटल बॉल्स कितने हैं 4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, जिसको आप 75% भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट को बोलेंगे लाइकली टू हैपन या लाइकली इवेंट्स। यदि किसी कंटेनर में 2 ब्लू कलर्ड बॉल हैं और 2 ग्रीन कलर्ड बॉल हैं और आपको यदि इवेंट दिया है पिकिंग अप अ ग्रीन कलर्ड बॉल आउट ऑफ 2 ग्रीन कलर्ड बॉल्स एंड 2 ब्लू कलर्ड बॉल, तो ऐसे इवेंट की यदि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो ग्रीन कलर बॉल है 2, टोटल बॉल है 4, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, इसको आप 50% भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 50-50 चांसेस है कि आपको ग्रीन कलर बॉल मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट है अनलाइकली इवेंट। यदि आपके पास किसी कंटेनर में 3 ब्लू कलर्ड बॉल है, 1 ग्रीन कलर्ड बॉल है, इस केस में एक इवेंट डिफाइन किया गया है E4 पिकिंग अप अ ग्रीन कलर्ड बॉल आउट ऑफ 1 ग्रीन कलर्ड बॉल एंड 3 ब्लू कलर्ड बॉल। इसकी यदि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 25%। तो चांसेस है 25% कि आपको ग्रीन कलर बॉल मिलेगा, लेकिन 75% चांस है कि ग्रीन कलर बॉल नहीं मिलेगा। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं अनलाइकली इवेंट। नेक्स्ट है केवल ब्लू कलर बॉल है यहाँ पे और आपको इवेंट दिया गया है कि ग्रीन कलर बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इक्वल्स 0/4 विच इज इक्वल टू 0%, यानी 0% चांस है कि आपको ग्रीन कलर्ड बॉल मिलेगा। तो ऐसे इवेंट को पार्टिकुलरली E5 का सिनेरियो है कि हमें ग्रीन कलर्ड बॉल चाहिए, तो हमें ये 0% प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इम्पॉसिबल है आपको ग्रीन कलर्ड बॉल मिलना, केवल ब्लू कलर्ड बॉल है। तो इस तरह से मेजर कैटेगरी है इवेंट्स की 5 टाइप्स की हो गई। इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0%, अनलाइकली इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी है 25%, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है 50%, लाइकली इवेंट्स होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 75%, और सर्टेन और श्योर इवेंट होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 100%। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल से आपको ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।